बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। वेलकम टू यमी देसी फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं देगू जैसा चना पुलाव, जैसा कि देगू में बनता है शादियों में या किसी भी इवेंट में, वैसा आज हम घर में बनाएंगे। बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाता है। देखते हैं उसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1/2 kg मैंने लिए चावल, उनको मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। 1 कप मैंने लिए चना, उबाल लिया था इनको भी, और इनको फिर उबालने के बाद मैं इस्तेमाल करूँगी भी। 1 टमाटर लिया है मैंने मीडियम साइज़ का। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 कप ऑयल, 1 मीडियम साइज की प्याज, 1.5 टेबल स्पून लिया है सॉल्ट, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 4 से 5 हरी मिर्चें और 1 चिकन क्यूब। अब देखते हैं कैसे बनता है। फ्लेम ऑन कर दिया मैंने, ऑयल डाल दिया इसके अंदर। अब प्याज डालेंगे, ऑयल गरम हो चुका है, प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने देंगे, उसका कलर चेंज होगा उसके बाद फिर बाकी मसाले डालेंगे। क्योंकि पुलाव का कलर भी अच्छा चाहिए, और पुलाव या जब भी आप कोई भी किसी भी तरीके से चावल बनाते हैं तो प्याज का कलर आएगा तो फिर चावलों का अच्छा कलर आएगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि प्याज का अच्छा कलर आए, बिल्कुल जलने भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा लाइट भी ना हो। हिलाते रहेंगे साथ साथ ताकि ये जले ना, बस ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन। ये पुलाव बहुत मज़े का होता है और बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में खाते हैं ना, देगू में बनते हैं शादी में या किसी इवेंट में, तो वो बहुत मज़े के होते हैं। वैसे ही बनेंगे, बहुत अच्छे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इजी है, बहुत इजी। मेरे फेवरेट हैं, इसलिए ये मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद काफ़ी दफ़ा ट्राई किए हुए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छे लगेंगे। खिलाते रहे इसको, बस इसका कलर ब्राउन हो जाए थोड़ा सा, तो फिर प्याज हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी लगाऊंगी ताकि प्याजों का सारा कलर मसाले में आ जाए। हल्का सा पानी लगाऊंगी और इसको ऊपर से ढक दूंगी कोई 10 सेकेंड के लिए। मेरे ढक इसलिए रही हूँ कि छींटे सारे किचन में और आगे पीछे मत जाएं, आप पे भी छींटे पड़ सकते हैं, अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखें। ऊपर से इसको ढक लें ऐसे। अभी इसमें जाएंगे प्याज, देखिए अभी भी छींटे हैं इसके, प्याज, चिली फ्लेक्स और लाल मिर्च का पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला और कुटा हुआ धनिया, इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। और इसके साथ में डाल दूंगी क्यूब चिकन, क्यूब जो लाई हुई थी वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी ताकि वो भी अपना असर इसमें दे दे अच्छे से, ये मिक्स हो जाए। जिसमें थोड़ा सा पानी लगाऊंगी ताकि क्यूब मिक्स हो जाए। फ्लेम इसमें आपने मीडियम टू लो ही रखनी है, वरना ये जल जाएगा, क्यूब जल जाएगी। क्यूब का टेस्ट बहुत अच्छा होता है।
वेजिटेबल पुलाव बनाएं या किसी भी दाल के चावल बनाएं तो आपको बहुत अच्छा इसका टेस्ट होता है। आप एक क्यूब ज़रूर डाला करें उसमें। मैं हरी मिर्चें भी डाल दूँगी इसके अंदर, ऐसे साबुत डालूँगी, काट कर ही डालूँगी। थोड़ा सा इस मसाले को भूनूंगी, 5 से 6 मिनट के लिए इसको ऐसे भूनूंगी ताकि सारा मसाला मिक्स हो जाए। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये देखें टमाटर भी गल चुके हैं। अब इसमें हम चने डालेंगे और उनको 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे, क्योंकि चने ऑलरेडी बॉइल्ड हैं तो उनको इतना टाइम नहीं लगेगा, बस मसाला मिक्स होना ज़रूरी है। भूनते हैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए। चम्मच हिलाते हैं ताकि जले ना, फ्लेम मीडियम टू लो रखें। लाते रहे इसको साथ साथ। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, अब इसमें हम डालेंगे पानी। जो आप अपने चावलों के हिसाब से डालेंगे, मैंने 1/2 kg चावल लिए हैं, तकरीबन 3 कप से थोड़ा सा ऊपर हैं, और मैं इसमें 6 कप पानी के डालूंगी। अब बॉईल आने का वेट करेंगे, और जब इसको थोड़ा सा बॉईल आ जाएगा उसके अंदर चावल डाल लेंगे। चने हमारे उबल रहे हैं अच्छे से, पानी को बॉईल आना शुरू हो गया, अब इसमें चावल डाल देते हैं आराम से ताकि छींटे ना पड़े आप पे। गर्म पानी है ना, सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो मिक्स करेंगे, पानी जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं अपना, और अगर नमक आपको कम लगे या जो भी हो तो आप उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसको दम पे रखेंगे। पानी हमारा ड्राई हो चुका है तकरीबन, अब इस टाइम पे दम लगेगा। फ्लेम बिल्कुल लो कर दें आप, बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए, और यहाँ पे आप इसको दम लगाएं। एक दफ़ा मिक्स कर लें अच्छे से, यहाँ पे इसको दम लगाएं। कोई कपड़ा ले लें या फॉइल ले लें इस तरह की, दम लगाएं इसको तकरीबन बिल्कुल लो फ्लेम पे, 15 से 20 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ दें बिल्कुल लो फ्लेम पे। पंद्रह से 20 मिनट हो चुके हैं दम दिए हुए पुलाव को, अब इसको देख लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा पुलाव बना है, कलर कितना अच्छा आया है। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसको।
मज़ेदार सा देगी चना पुलाव रेडी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मेरे इंस्टा पे इसकी पिक्चर ज़रूर शेयर करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आपको पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।